डूंगी के चकलुआ गांव में बरसाती नाले का जिसमें एक मकान सहित कई एकड़ जमीन बह गई। इस हादसे के बाद ग्रामवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इसी के साथ ये नाला अन्य ग्रामीणों के खेतों को अपने साथ बहा ले गया। कई ग्रामीणों के खेतों में मलबा भी भर गया है जिससे ग्रामीण परेशान है। कालाडूंगी उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि हमारे द्वारा पटवारी को भेजकर निरीक्षण कराया गया है। जो नुकसान हुआ है उस पीड़िता को सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कराया और मॉनसून शुरू होने से पहले नदी किनारे बसे लोगों को नोटिस जारी किए गए। बावजूद इसके घर खाली नहीं किए गए। कालाडूंगी से मुकेश शिवाल की रिपोर्ट। एक मकान मिली थी जो कच्चा मकान था और हमारे द्वारा इसमें पूरी अपनी टीम भेजी गई थी। हमारे पटवारी थे, हमारे तहसीलदार थे, इनके द्वारा सर्वे किया गया। पता गया कि जो इनका कच्चा मकान था वो नाले की जमीन पे बना हुआ था और जिसका जो कच्चा था ऊपर से उसमें टीन सेट डला हुआ था। इसमें जो हम लोग जो सरकारी लैंड पे इसमें मुआवजे का जो प्रावधान है वो हम अहैतुक सहायता उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस अभी के अंदर उसको अहैतुक सहायता हमारे द्वारा दे दी गई है। मैम अन्य लोग हमारे द्वारा इन सबको नोटिस दिया गया। जो भी नदी के किनारे और नालों के किनारे लोग बसे हुए हैं हमारे द्वारा इनको पूरे में भी नोटिस निर्गत किए गए हैं। इनको वहाँ से मकान शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं रहने के लिए थोड़ा। वर्षा होने के कारण ये नाला तूफान में था और जिससे प्रेम सिंह का मकान बह गया और नीचे लैट्रिन बाथरूम भी बहे हैं और काफी कास्ते का है। और मैंने इसके संज्ञान माननीय उप जिलाधिकारी कालाडूंगी को समस्त गांव वालों के साथ ज्ञापन दिया था मैडम को, जिला नैनीताल जिला अधिकारी को, कि ये इसका पानी जो है भागड़ा नदी और कालिका नदी में डाइवर्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर ये थोड़ी बहुत भी पानी कालिकाड़ और भागड़ा नदी में इसका डाइवर्ट हो जाए तो ये बहुत कटाव हो रहा है, जो आपदा और ये रुक जाएगा।